Hi guys, welcome back to my channel and I'm Pallavi Das with you guys. So guys, आज मैं create करने वाली हूँ ये beautiful, gorgeous wedding guest makeup look. So ये video जो है बहुत ही ज़्यादा detailed video रहने वाला है. How to prep your skin, how to do your makeup step by step. So if you are watching this video, I would say grab a coffee or some tea and then watch this video. Enjoy your video. क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाले इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले टू गेट द गुड बेस, लाइक अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप बेस अच्छा रहे, तो आपको सबसे पहले अच्छे से आपको स्किन प्रेप करना होगा. मैंने अपना स्किन प्रेप ऑलरेडी कर लिया है. लाइक मैंने टोनर, फर्स्ट क्लीन योर फेस, अप्लाई टोनर एंड देन अप्लाई मॉइस्चराइजर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ वेरी गुड बेस. तो अभी जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मैं सिर्फ विंटर्स में करती हूँ, बिकॉज मेरा स्किन टोन, स्किन टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन. मेरा ये वाला पार्ट है ऑयली और ये वाला पार्ट है ड्राई, सो आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. तो इसीलिए मैं ये वाला स्टेप सिर्फ विंटर्स में करती हूँ, मैं गर्मियों में नहीं करती हूँ. अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप ये वाला स्टेप लाइक ऑल टाइम यूज़ कर सकते हो. जिस ताकि मेरा स्किन प्रेप अच्छे से बने, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लिक्स का 24K कुआवा गोल्ड ड्यूई सीरम. तो ये मैं फाउंडेशन या प्राइमर अप्लाई करने से पहले अप्लाई कर रही हूँ, आफ्टर प्रेपिंग माई स्किन, लाइक आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग. तो ये क्या करेगा, आपके स्किन को एक अच्छा सा बेस देगा, ग्लोई एंड ड्यूई बेस देगा. सो दिस इज़ हाउ द सीरम लुक्स लाइक. मैं ये वाला चीज़ अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे. ये आपको अच्छा एक बेस दे देगा, इट विल गिव यू अ ग्लोई फिनिश. अगर आपको ड्यूई फिनिश नहीं चाहिए आपके स्किन में, तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो. राइट नाउ यू कैन सी कि मेरा स्किन जो है काफ़ी हाइड्रेटेड एंड जूसी लग रहा है. नाउ आई विल बी अप्लाइंग माई प्राइमर. प्राइमर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर मेकअप. सो मैं जो प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ वो है एक हाइड्रेटिंग प्राइमर. इट इज़ फ्रॉम, जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ, इट इज़ फ्रॉम NYX. इट इज़ देयर द मार्श मेलो प्राइमर. ये काफ़ी हाइड्रेटिंग प्राइमर है. इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह का है, ऐसे वाइट क्रीमी टेक्स्चर है इसका थोड़ा. बट दिस डजेंट फिल इन योर पोर्स. तो अगर आपके बहुत ज़्यादा पोर्स है तो आपको एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करना चाहिए. और अगर आपका ऑयली स्किन है, अगर आप मैट बेस्ड चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर अ मैट बेस्ड प्राइमर. आई हैव टेकन अ बिट ऑफ दिस प्राइमर एंड अप्लाइंग इट ऑन माई cheeks and outer areas. I'm not applying it on my nose area because this is little oily for me, so that part I'll be skipping. And over there I will be applying my mattifying primer, not this one. Guys, for the mattifying primer I'm using the Maybelline Fit Me Poreless mattifying primer, and I'm going to apply it on my T-zone area, basically my nose, my chin area and this area, forehead, like the middle of my forehead. So this is the only part where I tend to get a lot of oil secretion, so I'm going to apply it over here. Over here I'm just going to press this in, so that kyunki agar aapke pores hai na thore bahut, to isse wo fill up ho jayenge. So I'm just pressing this in, so just press it in like this and you'll be done. So guys, my skin prep is done and now I'm going to use a color corrector. This is from Sugar Cosmetics. This is the face forward corrector stick and this is in the shade peach. So basically I use this and I do not use orange color correctors because I don't have that much color correction that I need to do. So I use a lighter shade, like a this kind of shade, a peachy shade which has more of a yellow tone to it, so that it gets corrected. So I'm just going to apply it on my dark circles, like over here and a bit over here and here where I have a little bit of discoloration. That's it. I'm going to blend this with my foundation brush. I'm just going to buff it over here only in the place. I'm not going to drag it to other places. I'm just going to buff it over here. If you guys do not have a lot of dark circles, then you can skip on this. But if you have like color, different pigmentation in your skin, or if you have different color discoloration basically, so you can use this. Or if you have very dark under eyes, then you can use this. This is like for beginners. If you want to color correct your face, then you can use this peach corrector. It's very easy, it won't peek out from your foundation as well. But if you are using orange color corrector, then you have to be a little careful with its एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग एज वेल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीक आउट भी करता है अगर आपने अच्छे से उसको ब्लेंड नहीं किया. आपने अगर बहुत ज़्यादा लगा लिया, तो अगर ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा लगाओ.
और फिर अगर ज़रूरत पड़े फिर वापस उसको ऐड करो। अब जो मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो है फ्रॉम नायका। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन। दिस इज़ नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन। ये आपको डेमी मैट फिनिश देता है, नॉट वेरी मैट और वेरी डूई। आपको अच्छा सा एक डूई स्किन भी देता है बट इट डजेंट मेक यू फील ऑयली। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। One thing I would like to say that don't directly go on to your face with the foundation. Always apply it on the back of your hand. अगर आपके पास mixing palette है तो आप mixing palette पे भी use कर सकते हो, but मेरे पास mixing palette नहीं है, so not a worry, you can use your back of your hand to like apply it. ये almost ख़त्म हो गया ये वाला foundation मेरा, तो मैं उसको ऐसे निकाल के अपने back of my foundation में ले, back of my hand में ले रही हूँ। लाइक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है बट पंप आउट नहीं हो रहा है। बाय द वे आई एम इन द शेड 10 मेपल एंड ये काफ़ी अच्छा मैच होता है मेरे स्किन के साथ। वेन यू आर अप्लाइंग फाउंडेशन सो फर्स्ट वार्म अप इट अ बिट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड ताकि अच्छे से वार्म अप हो जाए और ब्लेंडिंग करने में ईजियर हो। एंड डोंट ऐसे ऐसे करके मत लगाओ, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन तब लग जाता है। जस्ट मेक स्मॉल स्मॉल डॉट्स। इफ यू नीड मोर यू कैन टेक इट अगेन, बट पहले अप्लाई इट विथ लेस प्रोडक्ट ताकि आपको ज़्यादा आपके मुंह पे हैवी ना लगे फाउंडेशन। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डॉट डॉट करके लगा लो एंड देन यू कैन जस्ट ब्लेंड इट। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ लगाना, देन आई एम गोइंग टू स्किप मूव टू ब्लेंडिंग। एंड नेवर फॉरगेट योर नेक, नेक पे भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लो ताकि आपका डिस्कलरेशन समझ में ना आए। सो गाइस, तो फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसा एक ब्रश जो कि है एक फ्लैट टॉप ब्रश, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रिसाइज ब्रिसल्स मिलते हैं और आपको ब्लेंडिंग करने में ईजियर होती है। तो वेन यू आर यूजिंग अ ब्रश नेवर ड्रैग योर फाउंडेशन लाइक दिस, ऑलवेज ब्लेंड इट विथ अ टैपिंग मोशन। जैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो बिल्कुल वैसे ही, नेवर ड्रैग। अगर आपको ड्रैग भी करना है तो गिव अ स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स लाइक दिस, लाइक वेरी लाइट, ताकि आपको, क्योंकि अगर जब ड्रैग करते हो ना, सी आई जस्ट ड्रैग ओवर हियर, ऐसे स्ट्रोक्स बन जाते हैं, लाइक ब्रिसल्स का स्ट्रोक्स बन जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज डैब इट लाइक दिस एंड ब्लेंड योर फाउंडेशन। इफ़ यू आर यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, आपको अगर ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर रहे हो तो उसका भी लाइक प्रॉपर टेक्निक होता है उसको, उससे भी ब्लेंड करने का। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में बता दीजिए, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो राइट नाउ यू कैन सी लाइक मेरा उतने से फाउंडेशन में पूरा फेस कवर हो चुका है। यू कैन सी अभी भी इतना सा बाकी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट ऑन दीज एरियाज जहाँ पे मेरे हाइपर पिगमेंटेशन है एंड पिम्पल मार्क्स है। दीज आर द प्लेसेज वेर आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर कवरेज एंड ओवर हियर, मेरे माउथ के एरिया में। आई एम नॉट गोइंग नियर माई आई एरिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी करेक्टेड इट एंड इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। तो मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स ज़्यादा उसके ऊपर प्रोडक्ट्स, लाइक अगर अंडर आई पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाओ ना तो एक लेयर्स बन जाता है। उतना ज़्यादा लेयर आप नहीं करना चाहिए अंडर आई के नीचे बिकॉज उसमें बहुत ही पतला सा स्किन होता है और बहुत अजीब लगता है अगर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप लेयर अप करोगे तो। क्रीज भी करता है बहुत ज़्यादा तब। सो गाइस, मैंने कर लिया है पूरा अपना फाउंडेशन ब्लेंड। यू कैन सी लाइक अभी बहुत ज़्यादा मेरा स्किन पेल लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली कुछ भी कलर्स एडिड नहीं है। आई डोंट हैव एनी डेप्थ ऑन माय फेस, नो कलर्स, बट लाइक मेरे को अपना ये वाला पार्ट जो है आई वाला पार्ट थोड़ा हाईलाइट करना है, थोड़ा बाहर आना चाहिए क्योंकि अभी देख रहे हो आप पूरा सेम कलर्स हो चुका है। सो टू कवर अप माई अंडर आईज आई वॉन्ट टू कंसील। सो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर पॉप का कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड, इधर कहीं पे भी शेड नहीं लिखा है। अच्छा हाँ, आई गॉट द शेड। सो दिस इज इन द शेड पीनट एंड दिस इज अ फुल कवरेज कंसीलर। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, अफोर्डेबल कंसीलर है एंड काफ़ी हद तक बहुत अच्छा भी है। वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर, वो भी बहुत अफोर्डेबल है। आई पुट द लिंक ऑफ दैट कंसीलर इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक दैट। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस कंसीलर ओनली अंडर माई आईज एंड लिटिल बिट ऑन द टॉप ऑफ माई लिड टू गेट दैट बेस फॉर माई आई शैडो। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट just in my inner corners, my outer corners and on the lid. Over here I'll do the same thing. That's it. I'm going to apply my concealer. So guys, मैं यहाँ पे use कर रही हूँ ऐसा एक angular brush. This is from PAC. This is 272 brush. आप देख सकते हो ये एक angular brush है।
ये काफी डेंस है तो इजीली आपको एकदम इनर कॉर्नर्स तक अच्छे से ब्लेंड कर देगा ये. सो यूज अगेन टैपिंग मोशन ऑन योर आईलिड्स एंड नियर योर अंडर आईज एज वेल. अच्छे से इसको ब्लेंड करना ओवर हियर एज वेल. लाइक डोंट ड्रैग इट टू लो, क्योंकि नहीं तो बहुत पैची और केकी लगेगा. तो जितना तक आपको ज़रूरत है उतना तक ही आप आपके कंसीलर को रखिए. सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्टोर, आपका हाई ब्लश काफ़ी देर तक स्टे करे, लाइक लॉन्ग स्टेइंग पावर है उसका, तो वन हैक विच आई वांट टू टेल यू दैट उससे जब आप पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हो ना, उसके नीचे आप क्रीम प्रोडक्ट्स या लिक्विड प्रोडक्ट्स अप्लाई करें, तो उसके ऊपर जब आप पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करोगे ना, तो काफ़ी देर तक आपका जो ब्लश है, आपका कॉन्टोर है, काफ़ी देर तक स्टे रहेगा, उसका स्टेइंग पावर उसका अच्छा रहेगा. फॉर माई क्रीम कॉन्टोर एंड क्रीम ब्लश मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स के ये जो फॉरवर्ड स्टिक होते हैं उसी को. तो फॉर माई क्रीम कॉन्टोर आई एम गोइंग टू यूज़ फॉन फर्स्ट. दिस इज़ हाउ द कॉन्टोर स्टिक लुक्स लाइक. काफ़ी हद तक मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत सारे मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ में आपने देखा होगा इसको. एंड जो ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ इन द शेड मॉव मार्वल. ये बहुत ही प्यारा सा मॉवी कोरली सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है, काफ़ी सारे ब्राउन स्किन टोन्स पे ये अच्छा लगेगा. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई फेस टुडे. सो गाइस, मैंने अपना आईब्राउज कर लिया है ऑफलाइन. अगर आपको आईब्राउ का ट्यूटोरियल चाहिए, लाइक हाउ टू फिल इन द आईब्राउज प्रॉपरली, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. सो नाउ लेट्स जस्ट स्किप ऑन टू कॉन्टोर एंड जस्ट द टिप. सो जब आप कॉन्टोर ले रहे हो, लाइक ऐसे डायरेक्ट अप्लाई मत करना, क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है. इफ़ यू नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली, देन यू कैन गो अहेड एंड डू इट दैट वे. क्योंकि मैं भी कभी कभी अपने वीडियोज़ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ. बट इफ़ यू आर न्यू टू क्रीम कॉन्टोर एंड लिक्विड कॉन्टोर्स, देन आप प्रोडक्ट को ऐसे अपने ब्रश पे ले लो एंड देन जस्ट कीप टैपिंग, एंड फिर आपको वो प्रॉपर ब्रॉन्ज्ड लुक मिल जाएगा, कॉन्टोर्ड या ब्रॉन्ज्ड लुक. आप देख सकते हो लाइक काफ़ी मिनिमल प्रोडक्ट अप्लाई किया है. ब्लेंडिंग में भी बहुत इजी होता है अगर आप प्रोडक्ट ऐसा अप्लाई करोगे तो. अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो ब्लेंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट, एंड देन कीप ब्लेंडिंग इट. ब्लेंड इट टूवर्ड्स योर हेयर लाइन, इधर मत ब्लेंड करना, लाइक नीचे की तरफ या टूवर्ड्स योर फेस मत ब्लेंड करना कभी भी कॉन्टोर. ऑलवेज ब्लेंड इट टूवर्ड्स योर हेयर लाइन, ताकि एक नेचुरल सा फिनिश लगे. सेम वे में मैं इस साइड पे भी करूँगी. आई जस्ट कम बैक एंड कम्प्लीट दिस साइड. यू कैन सी थोड़ा डेफिनेशन मिला है मेरे फेस को. अगर आप आपके फोरहेड पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो ऑलवेज अप्लाई इट वेरी नियर टू योर हेयर लाइन, नहीं तो ना एक काला सा एक धब्बा लगेगा अजीब सा. सो ऑलवेज अप्लाई इट नियर योर हेयर लाइन. आप ऐसे हेयर्स को थोड़ा हटा के भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई इट इन द सेम टेक्निक द वे आई जस्ट सेट, कि ऐसे प्रोडक्ट लो एंड देन कीप ब्लेंडिंग इट ओवर हेयर, तो काफ़ी नेचुरल सा फिनिश देगा आपको. लाइक यू कैन सी काफ़ी नेचुरल सा फिनिश दे रहा है. हाँ, थोड़ा हेयर्स खराब हो जाते हैं तब. सो ऑलवेज डू योर मेकअप फर्स्ट एंड देन डू योर हेयर, दैट इज़ वॉट आई डू कभी कभी. इफ यू वॉन्ट अप्लाई इट ऑन योर जॉ लाइन एज वेल, फ्रॉम हेयर अप्लाई इट डाउनवर्ड्स, डोंट टेक इट ओवर हेयर, अप्लाई इट डाउनवर्ड्स. क्योंकि आपको ये वाला पार्ट जो है वो ढकना है, आपको ये वाला पार्ट नहीं ढकना, आपको ये वाला जो डबल चिन एरिया है वो ढकना है. तो ऑलवेज डू इट ऑन द डाउनवर्ड्स एरिया. सेम वे टेक सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर एंड स्ट्रोक इट डाउन. लाइक यू कैन सी काफ़ी हद तक ये स्कल्प्टेड लगता है. सी दिस साइड एंड सी दिस साइड, काफ़ी हद तक स्कल्प्टेड लगता है. नोज, यू वॉन्ट टू डू अ नोज कॉन्टोर, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. टेक इट, जस्ट प्रेस इट लाइक दिस. इफ यू डोंट हैव, लाइक अगर आपके पास पतला ब्रश नहीं है, यू कैन जस्ट प्रेस अ ब्रश लाइक दिस एंड टेक इट फ्रॉम नियर योर आईब्राउज टूवर्ड्स योर नोज एंड जस्ट ब्लेंडेड. ये आपको एक कनेक्शन देगा आपके आई शेडो के इधर से भी, तो आपको डिफरेंट लाइन्स नहीं नजर आएंगे. लाइक सेम वे दिस हियर एज वेल, एंड काफ़ी लाइट सा आप कॉन्टोर करो. डोंट गो वेरी हार्श ऑन योर नोज कॉन्टोर अगर आपको ठीक से नहीं आता है. डू इट वेरी लाइटली.
it looks better. Obviously, nothing can change your face, but it will just make your face look better. Makeup doesn't change your face, don't worry. आपका मोटा नोज से पतला नोज नहीं बना सकता है. So it will just make your face look better. So guys, the contour part is done. So now I'm going to use the blush. It is from Sugar. So I like applying a lot of blush. If you don't like applying a lot of blush, then you can do the same technique the way I did the contour. I like to apply a lot of blush. That's why I'm going to apply it straight away like this. And this is a very pretty color, very light color. If you apply a lot also, you can like rectify it later on as well. So I apply karu achhe tarah se, little bit on my nose because I like applying blush on my nose and my chin. Then I'm going to blend this with my brush. I'll tell you the technique how to blend this. Hashi, Krishna. So guys, I'm going to use this stippling brush क्योंकि मैं cream blush use कर रही हूँ. That's why I'm using this brush. ये blending में काफ़ी easy होता है. So I'm going to use this and same in dabbing way. I am going to take it towards till here, like my temples over till here. And इसको ना आपको contour के साथ mix करना है ताकि ये अलग सा दो lines ना लगे. This needs to look like one single thing. अच्छे से मिक्स होना चाहिए. सो टेकिंग इट टू माई टेम्पल्स एंड मिक्सिंग इट विथ माई कॉन्टोर. यू कैन सी कोई हार्श लाइन नहीं दिख रहा इधर. डूइंग जस्ट ब्लेंडिंग इट ऑन माई नोज लाइक दिस क्योंकि मुझे थोड़ा पिंक पिंक नोज अच्छा लगता है. सेम वे ऑन माई चीक एंड आई एम गोइंग टू यूज द सेम टेक्निक ओवर दिस साइड एज वेल. ब्लेंड इट, टेक इट टू योर टेम्पल्स एंड मिक्स इट विथ योर कॉन्टोर. सेम टेक्निक. If you want, you can take your blush little bit till here. अच्छा लगता है देखने में. But if you don't want, you can just do it this way. इससे आपका face lifted लगता है. अगर आपको चाहिए कि आपका face थोड़ा round type का लगे, then you can apply your blush on this cheek, like your apple of your cheeks. अगर आपको lifted look चाहिए तो आपको ऐसे apply करना है. मैं पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये रिमिल का स्टे मैट पाउडर जो कि मेरा थोड़ा टूट गया है. बट दिस इज़ अ वेरी गुड पाउडर. इट्स लाइक अ ड्यूप ऑफ शार्लेट टिलबरी का जो एयरब्रश फ्लॉलेस पाउडर आता है. इट इज़ अ ड्यूप ऑफ दैट. लाइक लोग कहते हैं आई डोंट सी एनी मैचेस. आई डू हैव द शार्लेट टिलबरी एज वेल बट मेरे को उतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज नहीं दिखता है. हाँ, इसका पाउडर थोड़ा फाइनली मिलता है लाइक शार्लेट टिलबरी. अदर देन दैट नथिंग इज देयर. सो आई एम यूजिंग दिस फ्लैट टेपर्ड स्मॉल ब्रश. तो ये अच्छे से मेरे अंडर आई को सेट कर देगा लाइक इट अच्छे से. दिस इज़ अ पाउडर ब्रश ओनली. सो यू कैन यूज़ दिस फॉर योर पाउडर ब्लश एज वेल. बट मैं इसको अपना अंडर आई आईलिड सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ. इट हैज़ अ वेरी प्रिसिशन, इसीलिए मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ. सो अगर आपको ये स्माइल लाइन वाला पार्ट अच्छे से सेट करना है, सो यू शुड ऑलवेज इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे करके सेट करना. इट विल बी मोर इजियर. सो सेम वे में मैं इस साइड भी सेट कर लूंगी. एंड इफ व्हेन आई एम गोइंग टू सेट माय फुल फेस, आई एम गोइंग टू यूज अनदर ब्रश व्हिच आई विल शो यू जस्ट नाउ. क्योंकि मेरे को फुल फेस में ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं कोई प्रिसाइज ऐसा कोई ब्रश नहीं यूज़ करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है. आई एम गोइंग टू यूज़ अ मोर फ्लफियर ब्रश जिसमें ज़्यादा पाउडर मेरे को नहीं लगेगा. और क्योंकि जहाँ भी आपका ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है, तो वहाँ भी अच्छे से आप पाउडर अप कर लीजिए. लाइक माई प्रॉब्लम एरिया इज दिस एरिया जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा स्वेट आता है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट डैप अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर ऑल ओवर माई फेस जस्ट ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से. सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बिगर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज़ फ्रॉम शी इन. बहुत पहले जब इंडिया में शी इन था तब मैंने ये लिया था. ये पूरा एक सेट में आता था एंड आई यूज टू लव दिस ब्रश. आई स्टिल लव दिस ब्रश एंड मैं इसको लेके अपने पूरे फेस को अच्छे से पाउडर अप कर लूँगी ताकि मेरा पूरा फेस सेट हो जाए अच्छे से. और ये वाला ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा पाउडर नहीं चाहिए अपने फेस पे, तो मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ. सो टू मेक माई मेकअप मोर लास्ट लॉन्ग, आई एम गोइंग टू यूज़ माई सेटिंग स्प्रे. ये वाला जो है, ये है मिलानी का मेक इट लास्ट सेटिंग स्प्रे. बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, काफ़ी हद तक आपका मेकअप लास्ट करता है. बट ये आपका मेकअप थोड़ा मैट कर देता है. सो इफ़ यू वॉन्ट मोर डूई फिनिश,
यू कैन गो विद यूरोप गर्ल का एक डूई सेटिंग्स पे आता है, यू कैन गो विद दैट, अदरवाइज यू कैन गो विद स्विस ब्यूटी का सेटिंग्स पे, वो भी बहुत अच्छा है, वो अंडर बजट भी आता है, बहुत अच्छा है. बट राइट नाउ आई हैव दिस वन नियर मी, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस. So I applied this before putting blush contour, just after powdering my face, ताकि जो powder है वो अच्छे से melt हो जाए मेरे skin पे और जो cream products है उसके साथ mix होके set हो जाए अच्छे से. I'm going to give this thing a couple of minutes ताकि ये settle down हो जाए and then I'm going to apply my blush, contour, highlighter and my face makeup will be complete after that. So guys, for my powder contour I'm going to use my Benefit Hoola bronzer. So this is basically a bronzer, this is not a contour, but इसका जो undertone है ना ये cool undertone में भी आता है, that's why I use it for my contouring as well, क्योंकि ये बहुत light tone है, ज़्यादा dark नहीं है. I don't use this as my bronzer, I rather use it as my contour, क्योंकि ये cool undertone में है. So I'm just going to take it over here a bit and then just blend it like this, forehead on my hairline and again blend it over here. Just give me that depth again and इससे मेरा contour काफ़ी हद तक stay भी करेगा. Same way I'm doing it this side. Apply it on my jawline, bringing it down. Same on this side, bringing it down. अप्लाइंग इट ओवर हेयर, क्योंकि मेरे को वो बच्चन वाला फेस चाहिए था, सो आई एम अप्लाइंग इट ओवर हेयर एंड यू कैन जस्ट ब्लेंड ओवर हेयर विथ योर फिंगर्स ताकि ज़्यादा हार्श लाइन ना रहे. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई नोज स्टार्टिंग फ्रॉम माई आईब्राउज, सेम वे दिस साइड. एंड फॉर माई ब्लश आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर कॉस्मेटिक्स का Contour Day Force Mini Blush. This is in the shade 04 Salmon Superstar. So this is how the shade looks like. It's a corally shade, जो कि इस वाले shade के साथ भी match हो जाएगा. I'm going to use this and I'm going to tap off the excess. Always, always in your blush, tap off the excess. Or especially ऐसे blush जो कि बहुत pigmented होते हैं. This blush is very pigmented. So take it on the blush. You can see कितना pigmented है. And then apply it like this, mixing with your contour till the temples of your cheeks. अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि आपने ज़्यादा blush use कर लिया है, तो आप जिस brush से foundation apply किए हो या beauty blender से, आप उसके ऊपर से उसी brush या beauty blender से जिससे आपने foundation apply किया है, you can just dab it on top of that blush. तो आपका वो blush काफ़ी कलर उसका बहुत लो हो जाएगा, तो इट वोंट लुक वेरी पॉपिंग. सो आपने देखा एक ही बार मैंने डिप किया एंड मेरा दोनों साइड हो गया. आई एम डन विद दिस मच ब्लश, आई एम वे टू हैप्पी. ब्लश इज डन, राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज हाईलाइटर. तो हाईलाइटर के मैं यूज कर रही हूँ ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का मिनी हाईलाइटर एंड दिस इज इन द शेड ब्लिसफुल. काफ़ी बहुत ही बढ़िया हाइलाइटर है ये वाला. अगर आपके बजट में आता है, इफ़ यू वांट वन हाइलाइटर, देन डू गेट दिस हाइलाइटर. तो हाइलाइटर के लिए आई नेवर यूज़ अ फैन ब्रश, आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश लाइक दिस, क्योंकि फैन ब्रश अगर आप यूज़ करोगे ना तो वो एक अजीब सा लाइन बना देता है. इफ़ यू यूज़ अ ब्लेंडिंग ब्रश तो ये अच्छे से हाइलाइटर जो है ब्लेंड होता है विद योर स्किन. सो आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट बिकॉज दिस इज वेरी पिगमेंटेड, लाइक इट्स ब्लाइंडिंग. So I'm going to apply it on the higher points over here, my cheekbone, and I'm going to blend it with my blush, taking it till the temples of my forehead over here, and that's all. Can you see how beautiful this looks? Ek line nahi lag raha hai, but it is getting blended very beautiful. So guys, मैं जो आज eye look करने वाली हूँ बहुत ही easy eye look होने वाला है. सबसे पहले मैं एक transition shade लूँगी. And the palette which I'm using is from Swiss Beauty. It is the Dual Passport for Face and Eye Eyeshadow Palette. And ये वाला जो shade है वो है I think Twilight Night, ऐसा कुछ है इसका shade. Sorry, it is shade Everyday.
सो मैं इसका जो ये वाला पार्ट है ना ब्लश, दिस इज एक्चुअली द ब्लश पार्ट, बट आई एम गोइंग टू यूज इट एज माई ट्रांजिशन शेड टूडे. मैं दोनों शेड को अच्छे से मिक्स करूंगी एंड आई यूज इट एज माई ट्रांजिशन शेड, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड अप्लाई इट ऑन माई आई लिड्स. आई वुड अप्लाई इट ऑल ओवर माई आई लिड फॉर द ट्रांजिशन शेड, क्योंकि मैं एक आई लाइनर यूज करने वाली हूँ जो जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू पोस्ट कर दिया है, तो आप वो रिव्यू ज़रूर देखना. इफ़ यू आर मिसिंग आउट दैट रिव्यू ना, देन यू आर मिसिंग आउट वन ऑफ द बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट एवर लॉन्च्ड बाय स्विस ब्यूटी. बाय द वे, लाइक स्विस ब्यूटी एज अ ब्रांड इज एन अमेजिंग ब्रांड, दे आर जस्ट क्रिएटिंग मैजिक्स. सो मैं इसको पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी, बोथ माई आईलिड्स ऑब्वियसली. इसको मैंने कर लिया है, दिस आई एम गोइंग टू डू ऑफ कैमरा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा इफ़ आई डू बोथ माई आईलिड्स टुगेदर. So my eyelid is done. Next step for my eyeshadow is my favorite eyeliner. So these days this has become my favorite. This is the holographic eyeliner by Swiss Beauty and I'm using the shade Northern Lights, one of my favorite shade from their range. Iska review already hai mere channel pe, so do go and check that. I'll leave it somewhere in the I button or in the description box below, so do check that. To main isko na pehle apne eyeliner ki tarah lagaungi and then I'm going to smudge it. I'm using my closer mirror because नहीं तो मेरे को नहीं दिखेगा. So I'm using this and now let's just make this eyeliner. It doesn't matter कि आपका eyeliner proper way में लग रहा है कि नहीं, because ultimately we are going to smudge this eyeliner. So it really doesn't matter, but अच्छे से आपको लगाना है, like मोटा करके, ताकि इसका स्मज अच्छे से हो. And आपको ना थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर सेट हो जाएगा तो ये. Take this small tapered blending brush, ये वाला, क्योंकि इससे smudging अच्छे से होगा. तो I'm going to take this brush and start smudging the outer corner, like इसका जो आउटर वाला एरिया है ना डायमीटर, उसको मैं स्मज करना चालू करूंगी. सी दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड, इसीलिए अभी अच्छे से स्मज नहीं हो रहा है. सो हैव टू बी रियली क्विक विथ योर हैंड्स, लाइक यू कैन नॉट जस्ट वेट. सो मैं इसको अच्छे से स्मज करती हूँ. टेक योर टाइम एंड स्मज द आई लाइनर. जब आपको आपका डिजायर्ड मिल जाए, डिजायर्ड लुक इससे, देन यू कैन जस्ट स्टॉप इट ओवर देयर. लाइक अभी फिलहाल के लिए मेरे को इतना ही चाहिए, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग ओवर देयर. तो मैं इस वाले आई लुक को भी करके आती हूं. दिस मच आईलाइनर इज डन. तो क्योंकि मैं कर रही हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, तो मैं यूज करने वाली हूँ थोड़ा सा ग्लिटर. ये वाला जो ग्लिटर पैलेट है, दिस इज फ्रॉम मास एंड दिस इज देयर मास ग्लिटर पैलेट. एंड इसमें से जो शेड मैं यूज करने वाली हूँ, खुल जा, तो इसमें से जो शेड मैं यूज कर, मैं सोच रही हूँ टू गो विथ दिस शेड और दिस वन. आई गो विथ दिस वन मिक्सिंग विथ दिस. आई यूज दिस टू शेड मिक्स अप. आई जस्ट अप्लाई इट राइट ओवर हियर, बहुत थोड़ा सा. सो आई एम जस्ट मिक्सिंग दिस टू, क्योंकि मेरे को पूरा ब्लू भी नहीं चाहिए, पूरा गोल्ड भी नहीं चाहिए. सो आई एम गोइंग टू टेक इट अ बिट एंड अप्लाई इट ओवर हियर. So guys, my eyelids looks perfect, glamorous. Now I'm going to apply the same on my waterline. So let's just apply it. Wow, how pretty this looks. Let me apply it on this side as well. So guys, my eye makeup is fully complete. Now I'm going to apply mascara, lots of mascara. So guys, I am going to apply false lashes. If you're not applying false lashes, then please apply a lots of mascara. Otherwise, thoda ajeeb lagega makeup, because this is a very glam makeup. So apply lots of your favorite mascara. The mascara which I'm going to use is from Mars. It is their Fabulous mascara, and I really like this mascara because of this wand. इसका वॉन्ड थोड़ा मोटा है, आई नो थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंदर तक जाने में, बट इसका जो वॉल्यूम देता है, आई रियली लाइक इट, स्पेशली ऑन माई लोअर लैश लाइन. आई रियली लाइक यूजिंग दिस. तो आई जस्ट ग्रैब माई मिरर एंड स्टार्ट पुटिंग मस्कारा.
सो गाइज यू कैन सी मैंने सिर्फ सिंगल कोट ऑफ मस्कारा लगाया है एंड इट हैज़ गिवन मी गुड वॉल्यूम ऑफ माई लैशेज. तो वेन यू आर नॉट अप्लाइंग फॉल्स लैशेज, सो अप्लाई एटलीस्ट 2-3 कोट्स ऑफ मस्कारा ताकि एटलीस्ट आपका लैशेज थोड़ा वॉल्यूमिनस और लेंदी लगे. लिप्स आई एम गोइंग विथ अ पिंकी न्यूड काइंड ऑफ शेड. सो दिस वन इज फ्रॉम माई ग्लैम एंड दिस इज इन द शेड शिप. सो विथ दिस मैं अपना आउटलाइन करने वाली हूँ, बेसिकली लाइक ओम्ब्रे काइंड ऑफ लिप मैं बनाने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू डू आउटलाइन ऑफ, सो लेट्स डू द आउटलाइन. सो यू कैन सी मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट यही वाला शेड यूज किया क्योंकि मैं इसको पिंकी शेड में रखना चाहती हूँ. एंड मैं ये जो इनर कॉर्नर इनर वाले पार्ट में जो मैंने गैप रखा है उसमें मैं ये वाला शेड यूज करूंगी. दिस इज फ्रॉम लाइम क्राइम एंड दिस इज इन द शेड सिंडी. दिस इज अ मॉव न्यूड काइंड ऑफ शेड विच आई रियली लाइक. नॉट मॉव, मोर ऑफ अ ब्राउन शेड, बट आई रियली लव दिस शेड. So I'll just change my outfit, add some jewelries and bindi, and I'll just come back. So guys, I hope आप लोगों को ये video अच्छा लगा हो. And अगर आपको ये detailed video अच्छा लगा हो and आप चाहते हैं कि मैं more, मैं ज़्यादा ऐसे detailed video upload करूँ, तो do let me know in the comment section with a thumbs up. And do not forget to subscribe to my channel if you like this video. Hit the bell icon beside it so you do not miss any video that I upload. क्योंकि मैं बहुत सारे review video, tutorial videos upload करती रहती हूँ. And YouTube Shorts में काफ़ी सारे tutorials already uploaded है. So do check that. Also do not forget to follow me on Instagram. I'll leave my page link on the description. So do check it out. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनी ट्यूटोरियल्स ट्रांजिशन वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं. सो टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल. बाय बाय.